तो ड्रॉप सेट एक टूल की तरह इस्तेमाल करना आपने हर ट्रेनिंग में, या एक से ज़्यादा एक्सरसाइज में आप ड्रॉप सेट करेंगे तो या तो वो ट्रेन हो जाएंगे या फिर आप इसको सही तरीके से आपको पता नहीं कैसे करना है। डेली हर ट्रेनिंग में नहीं करना इसको, एक से ज़्यादा एक्सरसाइज में करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक कंपाउंड मूवमेंट पकड़ें जिसमें पहले सेट में आपके 3 से 6 रैप आ जाएँ, फिर उसके बाद एक एक प्लेट ड्रॉप करते जाएँ और अपना सेट पूरा करते जाएँ जितने रैप आप लगा सकते हैं। वेट ऐसा चूज करें कि पहले सेट में 3 से 6 रैप तो आप सेल्फ आई जाएं और इसमें हेल्प की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। फिर जितने ड्रॉप करके आप लगा सकते हैं रैप लगाते रहें लास्ट प्लेट तक। इसका बार बार इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, वो ट्रेन हो जाएगा मसल। एक एक्सरसाइज में करेंगे लास्ट सेट काफ़ी है। बाकी इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो 3 से 5 मिनट का रेस्ट चाहिए आपको ड्रॉप सेट लगाने के बाद। आप इसके तुरंत बाद बहुत जल्दी सेट ले लेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे वेट नहीं उठ पाएगा ज़्यादा। तो इसको स्मार्टली यूज़ करें, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपकी मसल को जल्दी ग्रोथ कराने का, मसल को शॉक देने का। थैंक यू।